मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में वाक़े शिव मंदिर में ख़वातीन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी रामचरितमानस का बाकी मास माह की पहली तारीख से शुरू हो रहा। खातून सदर विद्या बाला ने बताया, हर साल हम ये जश्न मनाते हैं, हम भगवान को खुश करते हैं, आज आराम का दिन है। हमारी तंजीम में बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं, इसमें प्रसाद भी तकसीम किया गया और खातून सदर ने मज़ीद तफसीलात बताई। मेरा नाम वेद बाला गुप्ता है। वेद बाला गुप्ता, ये कौन सा मंदिर है और कहाँ पर है? ये हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर सागर सराय, जो सामाज की मरी गली में कहलाता है। पुराना जूतों का बाजार हमारी गली में लगता है, इस नाम से हमारा एरिया फेमस है। आज क्या कार्यक्रम रहा? हमारा माघ माह से है, इस माह के महीने में हम लोग विगत वर्षों की बात ही हर साल रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। माह के महीने के पहले दिवस से जो हमारा 21 दिन का या 25 दिन का पाठ होता है, फिलहाल हम 21 दिन का पाठ ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आज हमारा पाठ का विश्राम दिवस है, 21वां दिन है। ये अपना कितना साल पुराना मंदिर है? ये हमारा बहुत साल पुराना मंदिर है। आप कितने वर्षों से मना रही हैं? हमें तो बहुत साल हो गए, 15 साल के करीब हो गए होंगे, है ना। कितनी महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर? हाँ, हमारी बहुत सारा संगठन है, मेरा महिला मंडल है, मैं इसकी महिला मंडल की, वैसे तो सभी मेरे वर्कर अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसका संयोजिका के नाम से सब जानते हैं। पूरे आपकी महिला मंडल का पूरा नाम क्या है? संस्था का? महिला मंडल शिव मंदिर सागर सराय। कितनी महिलाएं आपकी संस्था में? हमारी संस्था में वैसे तो हम सभी हैं, लेकिन मेन जो है हमारी 10-15 से ज़्यादा है, जो हमारी मेन है हर समय प्रेजेंट रहती है। आगे नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवान छात्रों से ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी लाइन है, पढ़ाई तो अच्छी है ही है, किसी उस क्षेत्र में बेकार नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने धार्मिक, चाहे हम कोई भी धर्म के हों, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अपने मंदिर में समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, जिससे हम लोगों के बच्चे भी ये चीज़ देखें कि हमारी मम्मियाँ या आंटियाँ इतना समय हमारे अपने मंदिर में लगाती हैं और भगवान के गुणगान में लीन रहती हैं। कितने दिन जारी रहे भाई? हमारा आज हमारा 21वां दिन है, विश्राम, आज हमारा विश्राम दिवस है। माह के प्रथम दिन दिवस से हम अपना शिवपुराण नियमित रूप से शाम 4 से 6 बजे तक का हमारा कार्यक्रम होता है, जिसे हम थोड़े थोड़े रूपों में पढ़ते हैं, बहुत विस्तार से बहुत समझाते हुए आज हमारा ये विश्राम है आज। और लास्ट में हम जो बीच में तो हम सारे भोग लगाते हैं, जो भी भोग आता है, लेकिन आज हमारा विश्राम दिवस पे हम सूक्ष्म रूप से भंडारे का रूप देते हैं, जितना हम लोगों से होता है हम उतना बनवाते हैं और यहाँ बच्चों में, पब्लिक में, जो भी इसको ग्रहण करने आता है उसे हम बांटते हैं। आज आखिरी दिन? आज हमारा विश्राम दिवस है। वैसे तो हमारे साल में बहुत प्रोग्राम होते हैं, हमारे साल में अब हमारा नवरात्रा आएगा, सुबतेरस आएगी, सुबतेरस को भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, लेकिन ये महा के दिवस से जो हमारी रामचरितमानस चल रही है, इसका आज हमारा विश्राम दिवस यानी कि आखिरी दिन है। वैसे आखिरी दिन नहीं है, भगवान किसी के जीवन में नहीं आए, लेकिन हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसको विश्राम देना है आज हमें, उसका हमारा विश्राम दिवस है।